ठीक है ना, ओके ठीक है ना। चलिए, हमने लास्ट क्लास में अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 जो कि है मैट्रिसेस। तो हमने एक क्लास में डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस होता क्या है, फिर उसके ऑर्डर, फिर उसके एलिमेंट्स की पोजीशन। देन हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया था, उससे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया था। सो हमने 3.1 खत्म कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज 3.2 एक्सरसाइज में जो थ्योरीज है वो कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे। तो इसमें मेनली है क्या, ऑपरेशन और मैट्रिक्स। ऑपरेशन में क्या है कि हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। देयर इज नो डिवीजन कांसेप्ट इन मैट्रिसेस, ठीक है। सो हम लोग यहाँ देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। सो जो पहला है कि वो ये एडिशन करना है, दूसरा ये है सब्ट्रैक्शन, जो तीसरा है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ है सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन होगा, ठीक है। इतना ही है क्योंकि डिवीजन नहीं होता है ना। सो मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता, ओके। सो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सो हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस। तो हमने देखा था कि मान लो ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे कोई भी इन जनरल, मान लो एम क्रॉस एन ऑर्डर का। सिमिलरली बी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है इसी ऑर्डर बी जे के, चूंकि आई जे इंडेक्स है तो आप कुछ भी जे के एल कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इसका ऑर्डर मान लीजिए पी क्रॉस क्यू है। सो मतलब ऐसे डिफरेंट मैट्रिक्स ले रहा हूँ डिफरेंट ऑर्डर के। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं किसी टू मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकता हूँ, किस सिचुएशन में, क्या कंडीशन है, तो वो डिस्कस करते हैं। सो उसके लिए हम लोग एडिशन डिस्कस करते हैं। सो आप लोग ये बताइए कि किसी टू डिफरेंट मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर पाएंगे, क्या उसका कंडीशन होगा मैट्रिक्स पे, क्या किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे, क्या आप बताइए। हाँ जी, ऑडिबल हूं मैं? कौन कौन है? मनीष, धर्मेंद्र, बताइए किसी टू मैट्रिक्स को कब ऐड कर पाएंगे। वॉइस इज वेरी हाई टुडे, रियली सही है, तो अच्छा है ना, हाँ ये तो चलो। तो मतलब मान लो एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, क्या दोनों को हम ऐड कर पाएंगे, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 की है, क्या उसको हम ऐड कर पाएंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 5 4 6 है, और B को इस तरीके से है कि 0 1 5 2 1 -1। अब क्वेश्चन है क्या इन दोनों को हम ऐड कर पाएंगे, आपने सही कहा नहीं, है ना। तो क्वेश्चन है कि क्या कंडीशन है टू मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए, पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यस, पहली बात ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तब उसको हम ऐड कर, मतलब उसका एडिशन डिफाइंड रहेगा, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। अगेन टू मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइन नहीं है अगर वो ऑर्डर इक्वल नहीं है तो। सो टू मैट्रिक्स को हम डिफाइन, एडिशन को डिफाइन तभी कर पाएंगे जब ऑर्डर इक्वल है, ठीक है ना। सो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स is defined if they have same order। पहली बात तो ये है सेम ऑर्डर है, और अब अगर दोनों का सेम ऑर्डर है तो क्या होगा। सो मान लो कोई दो मैट्रिक्स है उसका सेम ऑर्डर है, सो इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर, ठीक है ना। सो ए एंड बी आर से टू मैट्रिसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर, दोनों इक्वल ऑर्डर के हैं। सो क्वेश्चन ये है, अच्छा ये 21 लेक्चर है, मैंने 20 लिख दिया, ठीक है उसको चेंज कर देंगे बाद में। So ठीक है, so यहाँ पे A and B are two matrices of equal order. ठीक है, then A plus B is a new matrix. So is a new matrix, जो उसका addition होगा वो new matrix होगा obtained by. सो कैसे ऐड करते हैं आप टू मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर है? सो ऐड करने का क्या तरीका है, कैसे ऐड करते हैं आप लोग? उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे ही ना, कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही ऐड होंगे. सो ए प्लस बी इज अ न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, सो ए प्लस बी इज अ न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. सो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हैं ना. सो एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सो मतलब क्या है, जैसे यहां पे मैंने लिखा कि ए बी, तो इस केस में ए प्लस बी डिफाइंड नहीं है. सो ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड हेयर. सो ए प्लस बी यहाँ डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है. अगर ऑर्डर इक्वल होता तो डिफाइन कर पाते. सो अगर इक्वल है, मान लो ऐसा होता, सो ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ऐसा है कि इफ ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, एंड बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन हाउ विल यू राइट ए प्लस बी? ए प्लस बी कौन सा मैट्रिक्स होगा? सो हाउ टू राइट ए प्लस बी? कैसे लिखूं? अरे कुछ तो बताओ भाई, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए ना कि हाउ टू डिफाइन. ठीक है ना, क्वेश्चन तो कर लोगे आप इजीली, क्वेश्चंस तो सब लोग कर लेंगे बिना कॉन्सेप्ट, दो चार एग्जांपल समझ. हाँ यस यस, ए आई जे प्लस बी आई जे है ना. सो ये होगा ए आई जे प्लस बी आई जे, तो ये तो हो गया एडिशन. ठीक है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही है, बस बीच में माइनस लगा दो, इस तरीके से है. सो सिमिलर वे में सब्ट्रैक्शन में इतनी स्टोरी नहीं लिखूंगा आप, बस इतना भी लिखना काफी है समझाने के लिए, है ना, कि इतना लिख दो तो भी आपको समझ आना चाहिए कि पहली बात दोनों मैट्रिक्स का इक्वल ऑर्डर होने चाहिए, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, उसके बाद ऐड कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे. सो ये हो गया, जैसे यहाँ पे डिफाइन नहीं है क्योंकि ऑर्डर इक्वल नहीं है. अगर ऑर्डर इक्वल होता सो उस केस में, जैसे मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, बी एक मैट्रिक्स है 2 1 0 5, इस तरह से. अब मुझे ए प्लस बी को डिफाइन करना है, सो क्या होगा ये? सो सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, एंड 4 प्लस 5 9. तो इस तरीके से ऐड कर लेंगे, बहुत इजी है ये ना, ये काफी इजी चैप्टर है ऐसे तो. सो जस्ट आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने हैं. सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन डिफाइन करूं, या बुक में पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया होगा. सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अब मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, मैथमेटिकली समझा देता हूं. जैसे मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ठीक है. सो एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स आपके पास ए है और कोई कांस्टेंट k है, मान लो k कोई कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर. सो k इज एनी रियल नंबर. अब स्केलर का मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप. सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. सो ka का मतलब होगा, सो ka टाइम्स a इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ a बाय कांस्टेंट k, सिंपल. तो यहां से आ जाएगा k टाइम ए आई जे, ठीक है, के टाइम ए आई जे, ऐसा हो जाएगा. सो ये हर एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई कर दो, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी. सो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन. समटाइम्स आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैंने लिखा था कि जैसे आप देखो कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, एंड बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे ऑर्डर लेट्स से एम क्रॉस एन ही होगा. सो सो m क्रॉस n ही है। अब कभी ऐसा होता है अल्फा टाइम a प्लस बीटा टाइम b, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि टाइम a, a इज कैपिटल मैट्रिक्स ना, सो k टाइम मैट्रिक्स a, और मान लो k1 k2 ले लो, k1 टाइम्स a k2 टाइम्स b, सिंपल है ना। सो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन, हालांकि कि किसी कांस्टेंट से a को मल्टीप्लाई किया प्लस दूसरे कांस्टेंट से b को, और दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। सो दिस विल बी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन a का, ये स्केलर मल्टीपल b का, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा जस्ट, सो k1 टाइम aij प्लस k2 टाइम bij, सिम इस तरह से ऑर्डर सेम होने चाहिए यहां पे। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m क्रॉस n ही होगा, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा, ठीक है, सेम ऑर्डर होगा। सो अब आपके पास क्या है, ओके, सो k1 a प्लस k2 b, हमारे पास क्या नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन को डिफाइन करूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो ऐसा कुछ नहीं, मान लो नेगेटिव, तुम किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे डिफाइन करोगे, जैसे मैंने KA डिफाइन किया, अब K को आप -1 रख दो, है ना। अगर K, मैं किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव डिफाइन करना चाहता हूं, तो जस्ट आप K की जगह -1 रख दो, तो क्या होगा, माइनस टाइम AI, मतलब हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो नेगेटिव हो गया इस तरीके से। और उसी -A को B के साथ ऐड कर दोगे तो B -A हो गया, ये चीज है, ठीक है ना, मतलब B को -A मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दिया, सो B -A हो गया। तो उस तरीके से लिख सकते हो आप। तो जैसे कहीं a, मेरे पास सेम नोटेशन यूज करता हूं मैं कि aij है m क्रॉस n की, b है bij, ऑर्डर है m क्रॉस n की, और मुझे a माइनस बी डिफाइन करना है। सो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 टाइम a प्लस -1 टाइम b, है ना, ये जो यहाँ डिफाइन किया मैंने, so उसी तरीके से एक्चुअली कि जैसे k1 की जगह 1 है और k2 की जगह -1 है, यही हुआ ना यहाँ से। सो सिंपली आएगा क्या, फिर भी आंसर वही आना है। सो ये एट द एंड जो a माइनस बी आपका है वो आना है a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं b मैट्रिक्स के, उसको आप घटा दो। सो a मैट्रिक्स में से जो b मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको माइनस कर देंगे। सो ये सिंपली आपका उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। सो ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन सिंपली। अब आता है मल्टीप्लीकेशन, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स थोड़े क्रूशियल भी है समझना। सो उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो प्रॉपर्टीज ये है कि क्या अगर ए बी डिफाइंड है, मान लो मैं अभी तत्काल ऐसा लिखता हूं कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन का, एंड बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन का, दोनों का ऑर्डर इक्वल है, ओके। सो ए प्लस बी, ठीक है। सो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है, क्या b प्लस ए के इक्वल आएगा, यस और नो, क्या ए प्लस, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव रूल ऑफ एडिशन। सो ये कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन का, ठीक। सिमिलरली क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल रहेगा, सो जरूरी नहीं है। तो मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स में, है ना, एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि इन जनरल दोनों इक्वल नहीं होगा, है ना, हमेशा नहीं, जरूरी नहीं इक्वल हो। सो इसीलिए कम्यूटेटिव नहीं होता है सब्ट्रैक्शन। अब आता है कि जैसे अब जैसे ए प्लस जीरो मैट्रिक्स, अब जीरो मैट्रिक्स सेम ही ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं अगर जीरो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, सो सारे एलिमेंट जीरो है और इसका ऑर्डर वही एम क्रॉस एन है। सो जीरो मैट्रिक्स मतलब ओ लिखेंगे हम लोग। सो ए प्लस जीरो मैट्रिक्स कितना आएगा, सो ये ए ही होगा, है ना, या जीरो प्लस ए। सो ये जस्ट इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स के केस में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स एक्चुअली। और सिमिलरली ए में अगर आप माइनस ए ऐड करें या माइनस ए में आप ए को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, सो ये आपका जीरो मैट्रिक्स। तो अगर आप बाइनरी ऑपरेशन के टर्म में इसको देखेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो माइनस ए है आपका वो एडिटिव इनवर्स है ए मैट्रिक्स का। एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक वर्ड यूज होता है जिसका मतलब रेसिप्रोकल है। सो मतलब नंबर्स के केस में एक्चुअली रेसिप्रोकल होगा। सो यहाँ पे क्या है कि a इंटू माइनस ए, तो यहाँ बोलेंगे एडिटिव इनवर्स जो है a का माइनस ए है। और कुछ स्केलर के टर्म में आप बात कर सकते हैं। मान लीजिए k1 एक कांस्टेंट है, k2 दूसरा कांस्टेंट है, साथ में मैट्रिक्स a है, तो इसको सिंपली आप ओपन कर सकते हैं k1 टाइम a प्लस k2 टाइम a। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल ही आएगा, वेरीफाई कर सकते हैं। k1 k2 कोई रियल कांस्टेंट है और a कोई मैट्रिक्स है। और भी कुछ देखना चाहे आप रूल, जैसे ए को अभी मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ अगर कि ए प्लस बी है और इसको आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ कोई कांस्टेंट के है जिससे मैं ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा? के ए प्लस के बी, ठीक है। तो ये होगा के ए प्लस के बी, इस तरीके से आंसर आएगा आपका। सो के ए प्लस के बी, ओके। सो के ए प्लस के बी होगा, ओके। एंड सो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चूंकि अभी हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करूंगा, तो उससे पहले हम देख लेते हैं हम अभी स्टार्ट करने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो उससे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या इन लोगों ने डिफाइन किया है। सो तो यहां से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया, इससे पहले क्या है इतना टाइम लेता है। ठीक है, हम पीछे आ गए क्या? सो देखो इसमें क्या है। सो यहाँ पे आपके पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस है, तो इसमें पहला इन्होंने डिफाइन किया एडिशन, है ना। तो मैं देखता हूँ क्या क्या हमने किया है। सो एडिशन को डिफाइन कैसे किया इसने। सो यहाँ लिखा कि वी ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ टू मैट्रिक्सेस इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स दिया है उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो तो उससे सम मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो इन दोनों का सम करके दिखा रहा है आपको, ठीक है। सो मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है और ये ए प्लस बी है, इसको ऐड करके दिखा रहा है। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना, इसमें कुछ खास नहीं है। सो है ना, यहाँ समझ लो डिफाइन कर दिया। ए आई जे है, बी आई जे, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, एम क्रॉस एन का। तो जो सी आई जे होगा वो ऐड किया, तो जो ए सी है एक्चुअली सम ऑफ टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी इज डिफाइंड एज मैट्रिक्स सी, जहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ऐड करोगे। तो ये हम बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आप कर सकते हो। और फिर ये बोल रहा है कि यहाँ ए प्लस बी डिफाइंड क्यों नहीं है। सो इफ ए एंड बी आर ऑफ नॉट सेम ऑर्डर, अगर दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है तो उस केस में ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, तो ए प्लस बी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो तो ये तो हो गया आपके पास एडिशन। एंड यहाँ पे अब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। सो स्केलर मतलब कांस्टेंट, तो सिंपली ये भी ऐसे ही है। सो यहाँ आप देख सकते हैं डेफिनेशन कि जस्ट क्या किया, के टाइम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, के टाइम मैट्रिक्स से। सो ये हो जाएगा, जस्ट आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो कह रहा है ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, k कोई स्केलर है। सो के ए इज अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ एलिमेंट्स a बाय स्केलर k, उसके हर एलिमेंट को k स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज है। सो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो वही कहा था मैंने, नेगेटिव क्या है, जस्ट माइनस वन टाइम है, स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहां देखो इन्होंने डिफरेंस डिफाइन किया है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस। सो ए बी टू मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। सो ए माइनस बी इज डिफाइंड एज, जहां पे डी आई जे बराबर ए आई माइनस बी है ना। सो इस तरीके से यही कह रहा है कि आप इस तरह भी लिख सकते हो इसको कि ए प्लस माइनस बी। सो ए को और माइनस बी को ऐड कर दो आप, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। एग्जांपल्स बहुत इजी है, तो इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, कुछ है नहीं। सो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन जो मैं करा रहा था अभी, कि ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होगा, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ रह गया। एसोसिएटिव में क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सेम होता है, बस यहाँ डिफरेंस है ब्रैकेट का, कि इसमें ए प्लस बी ब्रैकेट में है, मतलब पहले a प्लस बी जोड़ेंगे फिर उसमें c को ऐड करेंगे, मतलब a प्लस बी में फिर c ऐड करेंगे। और दूसरा है कि a में b प्लस c ऐड करेंगे, यहाँ a में b प्लस c ऐड करेंगे। तो इस तरीके से है एक्चुअली। और तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये बता रहा था a प्लस जीरो, जीरो प्लस a, a होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, सो a में माइनस a ऐड करो, माइनस a में है ना a ऐड करो, जीरो आएगी आपके पास। सो हम बोलते हैं माइनस ए जो है एडिटिव इनवर्स है ए का, या एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम नेगेटिव है। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। सो इसमें क्या है, के टाइम ए प्लस बी, के ए प्लस के बी, के प्लस एल टाइम ए। सो के और एल दोनों कांस्टेंट है। सो के प्लस एल टाइम ए, के प्लस एल ए, इसको प्रूफ करके भी आई थिंक दिखा रहा है ये कैसे आएगा। तो ईजी है प्रूफ करना, ऐसा कुछ खास है नहीं। सो यहाँ तक आपके पास ये है। क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, पहले थ्योरी समझ लो। तो अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो इसको समझते हैं जरा, है ना। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सो हमें डिस्कस करना है क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करने हैं. सो हाउ टू डिफाइन मल्टीप्लीकेशन. जैसे मान लीजिए इसमें पहले कंडीशन क्या है, आप लोगों को आइडिया है. सो हाउ टू डिफाइन मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, जैसे ए आपका m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और b आपके पास है, मैं तत्काल ऐसा लिखता हूं b j k या अभी i j लिख लो, इंडेक्स का कोई टेंशन नहीं है, इंडेक्स आपने हिसाब से लिख सकते हो p क्रॉस q. सो आप बताओ a इंटू बी कब एग्जिस्ट करेगा, कब मल्टीप्लाई कर पाएंगे a को b से, जब b की जगह n हो. यस, सो यहाँ है कि a इंटू बी इज डिफाइंड इफ, या आप इफ एंड ओनली इफ लिख सकते हैं. सो ए बी डिफाइंड रहेगा कब, अगर ये जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का रो है, मतलब ए की कॉलम, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ जो ए है, ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और बी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू. ठीक है, सो इस तरीके से. सो ऐसा इंडेक्स थोड़ा सा मैं लिखता हूँ क्योंकि बाद में मल्टीप्लीकेशन डिफाइन भी करूंगा. सो चलो अभी रहने दो, कोई बात नहीं. सो यहाँ मान लो बी आई जे है. सो ये मल्टीप्लाई तब होगा जब पहली बात ये n और ये p इक्वल होना चाहिए. सो यहाँ ये कंडीशन है कि जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो. सो इफ p इज इक्वल टू n, है ना, n जो है p के इक्वल होनी चाहिए. तो सिंपल यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये होगा, और जो मैट्रिक्स आएगी एट द एंड उसकी ऑर्डर क्या मिलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, आप ए बी को जो मल्टीप्लाई कर दोगे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा. मतलब ये ए है m क्रॉस n का, b है p क्रॉस q का, m और p इक्वल नंबर है. ठीक है, m और p इक्वल है. तो आपसे पूछ रहा हूं मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसकी ऑर्डर क्या होगी, कुछ आइडिया है भाई. हाँ, सो ये जो आएगी m, ये जो पहले मैट्रिक्स का रो है वो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम है वो, m बाई क्यू, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी. और एलिमेंट्स कैसे होंगे. सो अगर मैं मैथमेटिकली लिखता तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऑर्डर में वो कह रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंडेक्स चेंज करूंगा. तो मैं इंडेक्स को थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ, ए आई जे है, बी जे के है, ताकि आपको समझ आए. यहाँ क्या होता है, सो यहाँ कोई एलिमेंट आएगा, लेट से सी आई के आएगा. मैं ये समझाने के लिए इंडेक्स चेंज किया हूँ. ये ए आई जे है, ये बी जे के है. सो जो न्यू इंडेक्स होगी वो इस तरह से होगी, सी आई के, जहां पे सी आई के की वैल्यू होगी वेयर सी आई के इज नथिंग बट समेशन ए आई जे इंटू बी जे के, एंड जे की वैल्यू 1 से लेके. तो जे क्या था, यहाँ कॉलम में था, यहाँ रो में है. तो कॉलम में कितने हैं, n एलिमेंट है, रो में कितने हैं, p है. एन पी इक्वल है, मैं ये बोल रहा हूँ कि n और p मेरा इक्वल है, तो n और p इक्वल ही नंबर है. तो j फ्रॉम 1 टू n ले लो. सो इस तरह से होगा. आप जैसे बोलते हैं ना कि रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ, मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा ये क्या चल रहा है थ्योरेटिकली. सो इसमें ये होता है कि जो रो वाइज आप कॉलम वाइज में इसके रो को उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं आप. ठीक है ना, तो इस तरीके से ये ए इंटू बी डिफाइंड है इस तरीके से, मतलब ए बी इस तरीके से डिफाइंड है. अब थोड़ा बात कर लेते हैं बी ए का. ठीक है, सो हमने पहले बात की ए बी की. ठीक है, पहला ये है ए बी का. दूसरा मुझे बी इंटू ए कब डिफाइंड होगा. सो व्हेन बी इंटू ए इज डिफाइंड. तो बी क्या है, पहले आप यहां लिखोगे. सो अगेन मैं इंडेक्स तो ऐसे को चेंज करूंगा, मैं इसको बी आई जे लिखता हूं और यहाँ पे ए जे के लिखता हूँ. देखो इंडेक्स कोई टेंशन नहीं है, ये क्या बोलते हैं डमी वेरिएबल है. इंडेक्स जो है वो है ना, उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो. सो मैं अभी बी आई जे ए जे के लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ तत्काल में. तो इसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू और इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन. अब बताइए ये डिफाइंड कब होगा, पहले तो ये बताओ b इंटू ए को डिफाइंड कब कर पाएंगे, प्रोडक्ट डिफाइंड कब रहेगा, क्या कंडीशन आएगी, लाइक यहाँ पे था n इज इक्वल टू पी आना चाहिए और यहाँ पे क्या आएगा, सो यहाँ पे इस q को इक्वल होना पड़ेगा m के, सो यहाँ पे जो q है उसको m के इक्वल होना पड़ेगा पहली बात, तभी b इंटू ए डिफाइंड है, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। So, मतलब फिर से पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो, यहाँ भी ऐसे था, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स, जब भी आप किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू जो सेकंड मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रो के, तभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ से क्या आंसर आएगा, सो दिस मैट्रिक्स इज, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी और यही उसका सेम नोटेशन यूज करता हूँ डी आई के, मान लो हालांकि मैंने ऐसा लिखा है आई जे और जे के लिखा था, सो वो समझने के लिए, हाँ तो इसका ऑर्डर क्या आएगा पी बाई एन, पी क्रॉस एन है ना, और वेयर अगर आप डिफाइन करो डी आई के क्या है, सो मैथमेटिकली इसका मतलब होगा कि बी आई जे इंटू ए जे के, जे की वैल्यू जो होगी 1 से लेके एन तक होगी, सॉरी एम तक नहीं होगी, क्या है यहाँ पे कॉमन ही क्या है, m इज इक्वल टू सॉरी क्या था q इज इक्वल टू m था ना, तो यहाँ m तक जाएगी या q तक जाएगी, बात वही है क्योंकि q और m इक्वल है। तो पहले इसको समझना पड़ेगा, तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ फिर से, ये तो थ्योरी हो गया, थ्योरी थोड़ा समझना डिफिकल्ट लगता है बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम में, तो एग्जाम्पल ज्यादा समझ आता है। देखिए सो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट से जस्ट 1 2, अभी मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, बी है मान लो इस तरह से 3 4, ठीक है, सी है लेट से 1 2 3 4 इस तरीके से है, ठीक है, और एक और लेता हूं चलो डी, सो डी होगा 1 1, मान लो कुछ इस तरह से 5 4 3 इस तरीके से ले लिया, ठीक है। सो आप क्या देख रहे हैं, सो आप यहां पे देख रहे हैं कि ए की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1, बी है 1 है ना, एक रो है, सो 1 क्रॉस 2 एंड ये है 2 क्रॉस 2 और ये आपका 3 क्रॉस 1, ठीक है। सो ये है 3 क्रॉस 1, ए इज 2 क्रॉस 1, बी इज 1 क्रॉस 2, सी इज 2 क्रॉस 2 एंड डी इज 3 क्रॉस 1, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे क्या a इंटू बी डिफाइंड होगा कि नहीं, चेक कीजिए क्या a इंटू डिफाइंड है। सो आप सिंपली देखेंगे कि a है 1 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और b है 3 4, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। सो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल है तो मतलब डिफाइंड है। सो प्रोडक्ट जो होगा प्रोडक्ट इज डिफाइंड, प्रोडक्ट डिफाइंड रहेगा। एंड वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी a इंटू बी की, कैसे डिफाइन वो करेंगे अब, सो किस ऑर्डर की आएगी ये पहले बताओ मुझे, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी जो a इंटू बी आएगी, 2 by 2। सो ये आपके पास यहाँ 2 है और ये 2 है, सो ये 2 क्रॉस 2, ठीक है। सो ये 2 है ना यहाँ पे और यहाँ क्या है 2 है, सो इसमें 2, सो ये जो आएगी 2 क्रॉस 2 की आएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए का ऑर्डर एक्चुअली 2 क्रॉस 1 था, बी का ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, लेकिन ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। सो अब एलिमेंट्स कैसे हैं, 2 क्रॉस 2 तो 4 एलिमेंट होंगे है ना। सो होता क्या है, ये एलिमेंट इसका पोजीशन क्या है, जैसे मैं अगर लिखूं इसको, मान लो तत्काल नाम लिख देता हूं मैं, ये कुछ नया मैट्रिक्स है, मान लो C11, C12, C21, C22। अब ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, इसमें क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। तो ये C11 जो एलिमेंट लिखा हूं मैंने, इसका मतलब है कि पहले मैट्रिक्स के पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है उसको दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चूंकि यहाँ एक ही एलिमेंट है तो 1 into 3 हो जाएगी सिंपली। सो यहाँ आएगी 1 into 3 और कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ क्या है C12, तो C12 का मतलब पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड कॉलम से, 2 मतलब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि ये 1 है और यहाँ पे 4 है तो ये आ जाएगा 1 into 4। अब यहाँ पे क्या है C21, तो 21 का मतलब सेकेंड रो को, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 into 3 हो जाएगी। और C22 का मतलब है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने आपने। सो 2 into 4 यहाँ हो जाएगा 8। सो फाइनली कहने का ये मतलब होगा, सो मेरे पास जो ये मैट्रिक्स आया A into B, सो जो मैट्रिक्स A into B है, मैं इधर लिख देता हूं। सो जो A into B हमारे पास आया है वो कुछ इस तरह से है 3, 4, 6, 8। अब किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने अभी AB के बारे में आपसे पूछा है। सो AB डिफाइंड था प्रोडक्ट, क्योंकि A में 1 कॉलम है, B में 1 रो है, तो डिफाइंड रहेगा। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। सो वो है। अब जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो पहले मैट्रिक्स में जितने रो है, दूसरे में जितनी कॉलम है, उस ऑर्डर की आएगी। तो 2 × 2 की आएगी। सो ये 2 × 2 की आएगी। 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे उसमें। m × n के मैट्रिक्स में m × n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें ये 2 × 2 4 एलिमेंट, मतलब क्या C11 C12 C122। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है ना, तो आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। सो ये बात किया मैंने A into B मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं B into A मैट्रिक्स की। सो अब बात करते हैं B into A की। चलिए, तो इधर लिखता हूं मैं। सो B into A, B मेरे पास क्या है? B मेरे पास है 3, 4। इसका ऑर्डर है 1 रो है, 2 कॉलम है। और A हमारे पास है 1, 2। सो इसमें क्या है 2 रो है, 1 कॉलम है। ठीक है, सो पहले तो आप बताइए कि B into A डिफाइंड रहेगा कि नहीं रहेगा? सो यहाँ पे सिंपली यू विल सी, इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं। सो यहाँ B into A डिफाइंड है, दिस इज डिफाइंड। अब डिफाइंड है तो वैल्यू क्या आएगी? सो वैल्यू के लिए B into A, सो फिर से आप देखेंगे कि बताइए B into A का ऑर्डर क्या होगा, जो B into A न्यू मैट्रिक्स आएगी। हाँ, सो यहाँ पे 1 है आपके पास और यहाँ पे 1 है, तो ये 1 × 1 की आएगी। और 1 × 1 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? सिर्फ 1 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 1 ही एलिमेंट होगा, या मान लो इसका नाम मैं D डाल देता हूँ, D11। ठीक है, सो जस्ट नोटेशन है, 1, 1 मतलब फर्स्ट रो, इसमें A 1 × 1 का आना है, क्योंकि यहाँ 1 रो है, उधर 1 कॉलम है। सो 1 × 1 का एक ही एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट क्या होगा? सो देखो वो एलिमेंट क्या होगा। सो ये 1, तो आपको मैंने क्या बताया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने हैं। अब यहाँ फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं और वहाँ फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। और आपको बताएं, इसीलिए हम चेक कर रहे थे कि यहाँ ये वाला और ये वाला इक्वल हो, ताकि इन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग मुझे वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिले। अगर ये डिफरेंट होता तो क्या होता, यहाँ 2 है और यहाँ 3 होता, तो यहाँ 2 एलिमेंट है और यहाँ 3 मिल जाता, तो इन 2 को मैं 3 के साथ कैसे पेयर करता। सो इसीलिए हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे ये 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 2 है, सो करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। सो यहाँ है, फिर से देखो आप। सो मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। सो यहाँ है 3, 4 और यहाँ है 1, 2। सो 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ प्लस, अब बीच में आपको ऐड करना है। ऐड कब करना है? जब उस रो में एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेंगे ना, तो करस्पॉन्डिंग वाले को मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लगाने हैं। सो 3 into 1 और 4 into 2, तो 4 into 2। सो यहाँ ऐड करना, आप यहाँ देखें कहीं ऐड नहीं किया मैंने, क्योंकि ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इसके एक रो में एक ही एलिमेंट थे, एक से ज्यादा नहीं थे, और इसके एक कॉलम में एक ही एलिमेंट थे, तो इसलिए ऐड नहीं करना पड़ा। ऐड कब करना पड़ता है? जब एक रो में दो से ज्यादा एलिमेंट हो पहले मैट्रिक्स के, ये एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हो, और दूसरे मैट्रिक्स में एक कॉलम में एटलीस्ट 2 एलिमेंट हो, तो आप करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास फाइनली आंसर आ गया 3 + 8 कितना आ गया 11। सो ये आपका मैट्रिक्स आया, और यहाँ से सिंपली आप ये भी नोट कर रहे हैं कि ओ A into B तो इक्वल है ही नहीं B into A के, है ना। आप ये भी चीज नोट कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि जैसे आप देख रहे थे कि A + B = B + A होगा, उस तरह से मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। मतलब A into B जरूरी नहीं है B into A के इक्वल हो, ठीक है। A into B जरूरी नहीं है B into A के इक्वल हो। यहाँ पे तो एडिशन में होता है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। यहाँ हम ये बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव। सो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। एक एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे, दूसरा देखते हैं। मैंने CD भी लिख रखा है समझाने के लिए आप लोगों को। चलिए अब हम लिखते हैं C और D, लिख के देखते हैं। चलो CD को देखो, तो CD जो मैंने लिखा था इसी में करते हैं आगे। हाँ अच्छा, नॉट डिफाइंड, पता चल गया आपको। चलिए इसको कहाँ रखें? इसको रखते हैं इधर, ठीक है। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा कर दो लार्ज। चलिए देखिए, सो यहाँ मैं लिखता हूं C into D। सो C मेरे पास है 1, 2, 3, 4, जिसका ऑर्डर है 2 × 2, और D है मेरे पास 5, 4, 3, जिसका ऑर्डर है 3 × 1। सो क्या C into D डिफाइंड रहेगा? यस और नो? सो यहाँ पे C into D इज नॉट डिफाइंड। क्यों? बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यहाँ नंबर ऑफ रो 3 है। बिकॉज 2 और 3 इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों चाहिए था? सो मुझे क्यों चाहिए 2 = 3? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 एलिमेंट ये 3 के साथ कैसे मैच कराएंगे, तो हमें इसीलिए चाहिए कि इक्वल रहेगा। पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं और ये जो 3 एलिमेंट है, तो ये मैच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, करस्पॉन्डिंग नहीं बन रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तब बनेगा जब यहाँ पे 2 होता तो यहाँ भी 2 होता, तो यहाँ 2 ही मिलता, तो इस दोनों के करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 मिल जाते। तो इसीलिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है रो में, मल्टीप्लीकेशन रो का कॉलम के साथ होता है। यहाँ रो में 2 है, यहाँ कॉलम में 3 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच कर नहीं रहे, तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट डिफाइंड। चलिए सिमिलरली आप D into C लिख के देखिए। सो D पहले लिखते हैं 5, 4, 3, और C है 1, 2, 3, 4। अब इसका ऑर्डर है 3 रो है 1 कॉलम, इसका 2 रो 2 कॉलम। अब आप बताओ क्या ये प्रोडक्ट डिफाइंड है? फिर से सो अगेन ये नॉट डिफाइंड है, फिर से नॉट डिफाइंड है सेम रीजन से, क्योंकि ये 1 और ये 2 इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल चाहिए आपको? यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 हो गया, करस्पॉन्डिंग कैसे मैच करें हम? सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए डिफाइन नहीं है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एक और देख लो। सो अभी तुमने ये देखा पिछले क्वेश्चन में कि AB और BA दोनों डिफाइन था। यहाँ क्या है, CD और DC दोनों डिफाइंड नहीं है, बट जरूरी नहीं ऐसा हमेशा होगा। अब मैं अगर ऐसा लेता हूँ, A मैं लिया जैसे 1, 2, ठीक, और B जैसे मैं लिया 1, 2, 3, 4, मान लो इस तरीके से सपोज। सो यहाँ जो है ये 1 रो है और 2 कॉलम है, और यहाँ 2 रो 2 कॉलम है, तो बताइए ए इंटू बी डिफाइंड होगा कि नहीं? होगा। ए इंटू बी डिफाइंड होगा ना, ओके। सो ये 1 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 2 है। सो यहाँ पे ए क्रॉस बी डिफाइंड, ए इंटू बी डिफाइंड रहेगा और जो आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2, मतलब 1 क्रॉस 2 में 2 एलिमेंट होते हैं। सो वो 2 एलिमेंट क्या है? सो लेट्स से यहाँ पे कुछ नया नाम दे दो, है ना, कुछ भी, लाइक तुम क्या देना चाहो, सी, मैं चलो वही लिख देता हूँ, C11 C12। 1 रो 2 कॉलम होगा, तो C11 क्या है? फिर से C11 पहली रो की पहली कॉलम, तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए मैं चेक कर रहा था 2 2 इक्वल हो, ताकि ये 2 के करस्पॉन्डिंग 2 मिलेगा। सो यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 3 है, तो 1 इंटू 1 2 इंटू 3 ऐसे करो मल्टीप्लाई। सो यहाँ होगा तुम्हारे पास 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 और नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा, अच्छा इसमें 2 ही तो है, सो C12, तो इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ। सो 1 इंटू 2, यहाँ आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। तो फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा? तो आपके पास फाइनल आएगा 6 प्लस 1 7 और 6 प्लस 8, 8 प्लस 2 10, तो ये आंसर आ गया 7 एंड 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है, 7 एंड 10, ओके। सो इस तरीके से क्या बी ए डिफाइंड होगा? यहाँ पे ए बी की बात किया मैंने, क्या यहाँ बी ए डिफाइंड है? तो बी मेरे पास है 1 2 3 4 और ए मेरे पास है 1 2। सो यहाँ पे अब देखो, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, फिर से ये 2 है, ये 1 है, तो B इंटू ए जो है डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए। सो ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए कि मैट्रिक्स कब डिफाइंड है। तो हो सकता है A इंटू बी, बी इंटू ए दोनों डिफाइंड ना हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो, बी ए डिफाइंड ना हो सकता है ए बी डिफाइंड ना हो, बी ए डिफाइंड हो सकता है दोनों डिफाइंड ना हो, कुछ भी हो सकता है। ए बी और बी ए जरूरी नहीं इक्वल हो, कभी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। सो जरूरी नहीं इक्वल हो। सो आज हमने देखा कि एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डेफिनेशंस देखे हमने। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस को ही कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर मल्टीप्लिकेशन में, गलतियां करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में 3.2 चल रहा है अभी, 3.2 चल रहा है, यस 3.2 चल रहा है, तो वही कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 3.2 ही करेंगे, फिर बाद में 3.3 पे आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास है मेरी 9 to 11। सो चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।